फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे। पॉलिनोमियल के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, अबाउट द टर्म्स बताया था, कुछ कोफिशियंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, तो सारा कुछ बेसिक्स हमने देखा था। और उसके टाइप्स पढ़े थे रिगार्डिंग मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड ऑल, जो हमने जस्ट इसके पहले तक कवर किया था। तो आज हम वापिस से वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ आवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्रीज, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि पॉलिनोमियल के अब हम टाइप्स डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री। नाउ बिफोर दैट यू मस्ट हैव टू नो वॉट इज डिग्री। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री इज नथिंग बट द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है? अगर मान के चलो मेरी कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमने देख लिया था कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा क्योंकि इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब देखो, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री? डिग्री इज नथिंग बट अ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पावर, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि यहाँ पर एक्स अगर वेरिएबल है तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? तो एक्स की हाईएस्ट पावर है हमारी 2। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2, राइट? तो डिग्री इज नथिंग बट अ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्लियर है? तो ये डिग्री आप टर्म याद रखना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री इज नथिंग बट अ हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। सपोज एक्स क्यूब प्लस 27, सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट? इसमें एक ही वेरिएबल हमको यहां पर एक्स दिख रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर एक्स की कितनी है? 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज एक्स माइनस 8। अगर एक्स माइनस 8, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इस केस में इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 1। तो होपफुली डिग्री आपको समझ में आएगा कि वॉट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पढ़ना क्यों जरूरी था? इसी डिग्री के हेल्प से हम अब पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अब देखिए, जो डिग्री में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं, तो उसका ये बेसिक से मैंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल पुट किया है, 4x³ + 3x² + x + 3। अब आप बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो चेक करो, अगर x वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डेट इज 3। अगेन सेकेंड एग्जाम्पल, r² + 2, अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसमें देखो r वेरिएबल है। अब देखो, वेरिएबल x, y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। अब जैसे यहाँ पर x के जगह r लिखा है, तो r इज अ वेरिएबल, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2। आया समझ में? नेक्स्ट, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आप लोग को समझाने के लिए, तो वन बाय वन हम इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। तो नाम से समझ में आ रहा है, व्हाट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी उसको हम बोलेंगे डेट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, राइट? एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहां पर एक अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूं। सपोज पी ऑफ एक्स, आपको मैंने बताया था इसको हम रीड करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, पी के जगह ए बी सी डी ई एफ आप कुछ भी यूज कर सकते हो, रीड उसको सेम करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। अब आप बोलोगे अरे ये कैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन है,
इसमें तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल है। अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 लिखा हूँ, इसका मतलब इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें एक्स की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्योंकि हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आपने क्लास 8 में लॉज ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको वहां समझाया था कि चाहे 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0, ए की पावर 0, एक्स की पावर 0 या वाई की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 8 को क्या हम 8 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मीनिंग इज सेम, क्योंकि एक्स की पावर 0 इज नथिंग बट 1। तो 8 इंटू 1, 8 इक्वेशन नहीं बदल रही है। तो राइट नाउ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं हम, एफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट 27। अगेन वन कैन आस्क यू, क्या इज इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन? तो यस ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विच इज नोन एज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज वी कैन राइट इट एज 27 इंटू एक्स की पावर 0। तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल ये होता है। अच्छा, इस इक्वेशन को देख के आप बता सकते हो कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? ऑफ कोर्स इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 0। डेट इज वाई अब अपने टेबल पे आ जाओ। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में बताया है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होंगे? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। राइट, एग्जाम्पल 2, 3, 5, यू कैन टेक एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0। सेम यहाँ चीज वही समझाया जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया अभी अभी। तो क्लियर है, दिस इज अ फर्स्ट टाइम विच इज नोन एज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। सेकेंड, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका सेकेंड पॉइंट है लीनियर से, सेकेंड टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो मैथमेटिक्स में ये जो वर्ड लीनियर आता है ना, लीनियर मीन्स अ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। राइट, कभी भी। सो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे हम? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अगर इस टाइप की कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो आप इसमें देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो याद रखना मैथमेटिक्स में जब भी ये वर्ड लीनियर यूज होता है, लीनियर का मतलब वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1। और अगर कहीं वेरिएबल की पावर 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है एक्स प्लस 2, वाई प्लस 5, 3u प्लस 4। अब देखो मैं भी आपको बताया कि वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन लिखा है एक्स प्लस 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन वाई प्लस 5, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, अगेन इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो होपफुली ये लीनियर पॉलिनोमियल आपको क्लियर होगा। वी विल जंप टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द पॉलिनोमियल इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नथिंग बट 2। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? इवन अगर ऐसा लिखा रहे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 8x2, तो अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है? 2। और अगर डिग्री 2 है तो हम उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम एग्जांपल्स आर गिवन, जैसे 2x2 + 5 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x2 + 2/7x। अच्छा, किसी को यहाँ डाउट आएगा तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है x2 + 2/7x। तो याद रखना अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। वाई? क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। और ये 2/7 रहे, 3/7 रहे, कांस्टेंट कुछ भी रहे हमको चलेगा। कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर,
लेकिन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तो हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। और हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन यहाँ पर देखोगे 5x² + 2x + π। अब अगेन पाई को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है कि नहीं, 100% इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पाई कैन बी कॉन्स्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर। अब रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आ गए और इरेशनल नंबर भी आ गए, राइट। तो अब देखो बस हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, अगर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है तो इट इज़ डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो अगेन हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पाई के यहाँ रहने से ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टेंट। आया समझ में? तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th में, और इवन क्लास 10th में भी हमको इसके इसके इसकी इक्वेशन सॉल्व करने के ही बारे में मैक्सिमम आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पूरा फोकस 9th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल तुरंत समझ में आ गया होगा। व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर होगी 3, यानी कि जिसकी डिग्री होगी क्या 3, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए 8x³, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो अगेन इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x³ + x + 1, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है यानी डिग्री 3 है, तो हम इसको भी क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। 6 - x³, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, अगेन इट इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से ऐसे ही जैसे चार्ट मैंने बनाया आप लोग अपने कॉपी में बना लेंगे। और जिस हिसाब से, अच्छा क्या क्या लिखना है ये बहुत लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से आज हमने पढ़ना चालू किया है, तो आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसा मैंने स्लाइड्स में आपको जो जो चीज़ आपको दिख रही है वो हर चीज़ आपको लिखनी है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये आपको लिखना है, डिग्री का डेफिनेशन लिखना है, ये दोनों एग्जाम्पल देने हैं, राइट। उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा चार्ट बनाना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का, जिसमें आप हर चीज़ मेंशन करोगे, ठीक है। वैसे भी ये बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया है, इससे शॉर्ट और इसको मत करना। सारी एग्जांपल्स लिखोगे जैसा एज इट इज़ इसमें दिख रहा है, आप ऐसे ही कॉपी में बनाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 पहले सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। पूछा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है और कौन सा नहीं है। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, यहाँ दिखा हुआ है 4x² - 3x + 7। एक्स की हाईएस्ट, एक्स की पावर पॉजिटिव है, ओके। एक्स की वाई, एक्स की पावर इंटीजर है तो ये भी सही है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। याद रखना, कभी भी हमको चेक करने बोलता है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है भी कि नहीं। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब उसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक ही वेरिएबल दिख रहा है एक्स, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। वैसे सेकेंड में देखो, सेकेंड में दिया हुआ है y² + √2। अब देखो ये √2 से हमको कोई कोई मतलब नहीं है, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, हमको वो चलेगा। वाई का हाईएस्ट पावर पॉजिटिव है और इंटीजर है तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, और हाईएस्ट पावर 2 है तो, और एक ही वेरिएबल है तो हम बोल सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमको बस ये बताना है कि ये सारे इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो फर्स्ट तो होगा, सेकेंड भी होगा। अगेन थर्ड देखो क्या लिखा है, 3√t + t√2। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि वेरिएबल यहाँ टी है और वेरिएबल को स्क्वायर रूट में डाल दिया है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में या अगर फ्रैक्शन में है, रैशनल नंबर में है, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो रूट रूट को हम टी की पावर 1/2 बोल सकते हैं, राइट। तो इसलिए अगर ये टी रूट के अंदर है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा ही नहीं, चाहे इसमें एक ही वेरिएबल है लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं। तो आप बोलोगे नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन।
अगेन सिमिलर केस आपको यहां दिख रहा होगा, y प्लस टू अपॉन y कभी भी वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने कहीं पर भी देखा क्या कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर दिया हुआ है, वेरिएबल कभी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगेन चेक हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यू प्लस टी, सारे वेरिएबल, तीन वेरिएबल दिए हैं, तीनों की वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा बट कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? इट इज हैविंग अ थ्री वेरिएबल, तो दिस इज नोन एज अ थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट? तो हमको बोला था कि वन वेरिएबल है कि नहीं, तो अगेन इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इक्वेशन। ये पॉलिनोमियल होगा बट वन वेरिएबल नहीं है, थ्री वेरिएबल है। आया समझ में? जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, उन क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं पूरे के पूरे कॉपी में, अगर एग्जाम में वो आता है तो आप किस टाइप से लिखोगे? ये भी कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अगर हमको आया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या? आप इसको पर्टिकुलरली जैसा ये आंसर मैंने आपको फ्रेज करके बताया है एज इट इज आप लिखोगे, अब वो रूट वाला और ये वाई वाला ये सारी चीज इसमें समझाई हुई है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। इसको एज इट इज कॉपी में उसके जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे आंसर्स आप एज इट इज कॉपी में इस टाइप से लिखोगे, ठीक है? तो इसको पुश, वीडियो पुश करके आप ये सारी चीजें कॉपी में नोट डाउन, उसका पूरा आंसर है तो आप इसको नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है राइट द कोफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं इसके एक दो क्वेश्चंस बताऊंगा, बाकी ये दो क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क। आपको यहाँ पर कोफिशियंट्स बताना है एक्स स्क्वायर का, तो बताओ इस इक्वेशन में कोफिशियंट हमने मैं कोफिशियंट के बारे में एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कोफिशियंट इज नथिंग बट अ कॉन्स्टेंट अटैच टू अ वेरिएबल, जो कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ अटैच होता है उसको हम कोफिशियंट बोलते हैं, राइट? तो अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है, तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कॉन्स्टेंट अटैच है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि क्या है, वन। अगर कुछ भी नहीं है तो हम ये मानेंगे कि क्या है, वन। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वन। आया समझ में? तो इस केस में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन। अगेन बताओ इस केस में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस की साइन है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो अगर हम वन लगा दें तो इस केस में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन। आया समझ में? अगेन थर्ड फोर्थ अब आप लोग होमवर्क कर लेना, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आप लोग करके आओगे। तो सेकेंड क्वेश्चन तक आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूं। अच्छा एक और चीज स्टूडेंट्स, इसके आंसर कैसे लिखने हैं इसके भी मैंने एग्जांपल आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो ये एग्जांपल आप लोग याद रखो। जैसे इसका आंसर आप लोग कॉपी में कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे स्टेप से लिखोगे, इन द अबव एक्सप्रेशन द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड पढ़ाया आपको, फर्स्ट और सेकेंड का ये आंसर लिखा हुआ है, बाकी आप करोगे, ठीक? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। नाउ दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ओके? थैंक यू स्टूडेंट्स।